जय हिंद दोस्तों। जब इंडिया में हुंडई वेन्यू को लॉन्च किया गया था तब इसका मार्केट इतना ज़्यादा हाइप हुआ था, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था कि लोग इसे खरीदने के लिए 6-6 महीने 7-7 महीने तक वेट कर रहे थे कब तक हमें ये मिलता है। और जैसे कि आज देखते हैं हुंडई क्रिएटा ना आज मार्केट में टॉप पोजिशन को बनाए हुए, हर महीने इसके ना यूनिट्स ना 13,000 से 14,000 यूनिट बिक रहे हैं और इसकी वेटिंग भी 6 से 7 महीने तक जा रहे हैं। हुंडई क्रिएटा का कोई भी वेरिएंट लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लगभग कम से कम 6 से 7 महीने वेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसी के रिवाइवल्स किया सेल्टोस है, टाटा हैरियर है, टाटा सफारी है या फिर और भी गाड़ी है ना, वो सब उन सब को छोड़कर हुंडई क्रिएटा नंबर वन पोजीशन को बनाए हुए हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर अब देखा जा रहा है ना जो हुंडई वेन्यू को फिर से इसको फेसलिफ्ट में लॉन्च किया जाएगा और इसके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस देखने मिलेंगे। और जो अभी इस सेगमेंट जो गाड़ी है ना, जैसे किया सेनेटो हो गया, इसमें गाड़ी है ना, उनको सबको पीछे छोड़कर यहाँ पर हुंडई वेन्यू को जो फेसलिफ्ट वर्जन आएगा ना वो बहुत आगे निकलने वाला है। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो हुंडई वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन आएगा वो ज़्यादा फीचर्स साथ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटा वाले जितने फीचर्स ना वो सब इसमें लेस होने वाले हैं। न्यू ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपडेटेड म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सटीरियर से, एक्सटीरियर में क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि इसका स्पोर्टी लुक में आपको डिजाइन देखने लगा, एलिमेंट्स ना वो भी पूरे गाड़ी के ऊपर स्पोर्टी लुक में देखने मिलेगा। एक्सटीरियर में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको रीडिजाइन बम्पर्स मिलने वाले, फ्रंट ग्रिल वो भी चेंजेस देखने मिलेंगे, एंड जो हेडलैम्प्स है, टेल लैम्प्स है, सारा चीज़ आपको पूरी तरह से LED होने वाला, पूरी तरह से अपडेटेड होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस आने वाले, जैसे कि अभी आते हुंडई वेन्यू के कलर्स ऑप्शंस, उससे कई गुना बेटर देखने को मिलेगा और भी कलर्स ऑप्शन देखने मिलेगा। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इंटीरियर में क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो सबसे खास बात यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको इंटीरियर में जो फ्रंट है ना उसमें बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बिगर टच स्क्रीन मिलेगा, जैसे कि आपको हुंडई क्रिएटा मिलता है 10.25 इंच का, वैसे ही कुछ देखने को मिलेगा जैसा कि क्रिएटा में देख सकते हो, ठीक है। और वैसे ही कुछ आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने मिलेगा, जैसे कि हुंडई का क्रिएटा है ना उसमें टॉप एंड में आता है ना पूरा डिजाइन, बहुत अच्छा सा एनिमेशन आता है ब्लू रेड कॉम्बिनेशन में, कुछ उसी टाइप से यहाँ पर भी देखने मिलेगा। एक छोटा सा मिले लेकिन फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। आपको क्रूज कंट्रोल बहुत ज़्यादा जो बेस वेरिएंट है उसी से देखने को मिल जाएगा, और ऐसा किया जा रहा है। और जो आप जो करंट देखते हो हुंडई वेन्यू का जो हेडलैम्प्स होता है उसमें आपको प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं जो ठीक ठाक है, लेकिन जो अपडेटेड होकर आएगा ना यहाँ पर LED रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आज की इस कंपटीशन गाड़ियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जैसे किया सोनेट है, जैसे कि आने वाला टाटा पंच जैसे हाइप क्रिएट हुआ है, वैसे कैप्सर आने वाला, उस तरह से जितनी भी गाड़ी होंगे ना इस सेगमेंट की उन सबको टक्कर देने वाला हुंडई का जो फेसलिफ्ट वर्जन होगा ना वो, जो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो भी अपडेटेड होकर आने वाला है, क्योंकि जो आप करंट अभी म्यूजिक सिस्टम देखते हो हुंडई वेन्यू के अंदर उसका जो अक्राइम्स म्यूजिक सिस्टम है, लेकिन अभी जो आपको क्रेटा मिलता है ना प्रीमियम जो फीचर्स मिलते हैं, बोस का जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है, कुछ ऐसा ही इसमें भी देखने को मिलेगा, सब बूफर के साथ आने वाला है। जैसे हुंडई क्रिएटा में आप देखते हो ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है वो मुझे बताना। और यहाँ पर आपको फ्रंट में ट्विटर्स, फ्रंट में सेंटर में स्पीकर्स एंड बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे वो भी म्यूजिक सिस्टम के अंदर। और सबसे खास बात यहाँ पर बनाता है कि इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड होकर आने वाला है, क्योंकि जो अभी की गाड़ियाँ आती है उसमें IMT तो आता ही है, हुंडई वेन्यू में ऑटोमेटिक भी आता है और यहाँ पर मैनुअल भी आता है, लेकिन जो अब जो अपडेट हो रहा है वो DCT में भी देखने को मिलेगा, जो बहुत एडवांस गियर सिस्टम बोल सकते हो, गियर बॉक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में भी पेट्रोल इंजन आता है इसके अंदर, लेकिन अब हो सकता है वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन मिले, और यहाँ पर जो डीजल इंजन है वो भी देखने को मिलेगा ऐसा ही कहा जा रहा है। लेकिन हम मिस कर सकते हैं कि नहीं भी आए डीजल इंजन, डीजल ऑटोमेटिक नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आ भी सकता है। तो देखो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्या है ना कि इसका प्राइस होगा जो सेम होने वाला पुराने के जैसा ही, जैसे अभी हुंडई वेन्यू का प्राइस है ना वैसा ही कुछ होने वाला है, हाँ 1-1.5 लाख जो बढ़ जाए बस उसी के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस भी वैसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट आपको फीचर्स एडेड किया गया ना इसके अंदर, जो क्या क्या है, जैसे कि आपको रिमोट से इग्निशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कूल सीट मिलता है जैसे कि आपको हुंडई क्रिएटा में पहले से मिलता रहा वैसे कुछ देखने को मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिलने वाले, जो अच्छी बात है कंपटीशन में आपको किया सोनेट है ना ऑफर करते हैं वो ऑफर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ें ऑफर किए जाएंगे। और सबसे अमेजिंग बात यहाँ पर ये बनता है जो हुंडई वेन्यू होगा उसमें आपको क्रूज कंट्रोल,
जो एसी नॉब्स है वो बहुत अच्छे से मिलेंगे, डैशबोर्ड मिलेगा अच्छा मिलेगा, लेदर सीट्स मिलने वाले, एंड यहाँ पर जो बाकी जो फीचर्स हैं यानी बूट खोलने का ऑप्शन है वो सब आप रिमोट से थ्रू कर सकते हो, यानी कीलेस एंट्री आपको देखने मिला। डोर हैंडल से बहुत ज़्यादा स्मार्ट मिलेंगे, ORVMs बहुत ज़्यादा स्मार्ट मिलने वाले हैं, यानी पूरा फीचर मिलेंगे। जैसे कि आजकल पता है कि ADAS का सपोर्ट मिलता है, यानी जो लेन डिपार्चर ओएस का कुछ सपोर्ट देखने मिलेगा, और बहुत अलर्ट वार्निंग। सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको ड्यूल एयर बैग्स देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि यहाँ पर एयर बैग्स साथ आ भी जाए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बताओ। सो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह कमाल की वीडियो लाता रहता हूं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।